नमस्कार भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों। तो गाइस आप सबका स्वागत है पोकेमोन फायरस के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही है जर्नी द जोटो रीजन। सो गाइस अभी हम अरे मैंने इससे बैटल नहीं किया था यार, तो मैं बता देता हूँ बैटल मैंने ख़त्म कर दिया और हम यहाँ पे तीन ही पोकेमोन लेके जाएंगे गाइस जोटो में। वो आपको पता ही है, लेआउट में दिख ही रहे होंगे, चारिज़ार्ड, पिकाचू एंड द स्नोरलैक्स। क्योंकि ये तीन पोकेमोन उसने जोटो रीजन में इस्तेमाल किए थे गाइस। ओ ये एग किसका है भाई मेरे, ये न्यू बार्क टाउन, ओके। ओ प्रोफेसर एम एम या फिर एल में ऐसा कुछ नाम था, मेरे को याद है इतना। तो गाइस ओ एक मिनट, हेलो एश, प्रोफेसर ऑक ने मुझे कहा कि जोटो के स्टार्टर्स को तुम्हें दिखा दूँ। वैसे हम सबको बताइए कि कौन से स्टार्टर है। चलो और गाइस ये मैंने नया लगाया है, लेआउट मैंने चेंज किया है गाइस जोटो रीजन के लिए। वैसे ये जो लेआउट में बैकग्राउंड है वो जोटो रीजन के एक सिटी का ही बैकग्राउंड है, उसका एक पीक बनाया था किसी ने, मैंने उसे इस्तेमाल करके बनाया है। ये वही वाला यहाँ पे बैटल, ओ हेराक्रॉस, ये बॉय, क्या तुम हेराक्रॉस को साथ में लेना है? तो गाइस हेराक्रॉस में ले चुका हूँ अपने साथ में। चलो चलते हैं, वो यहाँ पे हेराक्रॉस मिलते हैं। 5 लेवल भाई, यार मैं तो भाई मतलब बोर हो जाऊंगा यहाँ पे। पहले 4-5 जिम जब तक ख़त्म नहीं होगे तब तक तो मैं बोर ही होता रहूँगा। मतलब जर्नी अच्छी रहेगी लेकिन बैटल में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा इतना, क्योंकि मेरे पास 50 लेवल के पोकेमोन है और 5 लेवल का पोकेमोन यार एक्सपी शेयर नहीं है मेरे पास, वरना मैं हेराक्रॉस को अच्छे से ट्रेन कर लेता। अरे बैटल नहीं, तुम्हें बेसबॉल पसंद है, मुझे कबड्डी पसंद है। ओ चीको रीटा चीखा, क्या करूँ गाइस समझ नहीं आ रहा मेरे को। पिकाचू को आगे रखा है अभी तो मैंने। ओ नो बैटल मेरे को नहीं करना। क्या तुम उस फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहोगे? कहीं भूल मत जाना। डोंट वरी मैं नहीं भूलूंगा किसी को। ओह चिकोरिटा, तुमने चिकोरिटा को गर्मी दी है, क्या तुम उसे अपने साथ में लेना चाहोगे? तो गाइस चिकोरिटा आ चुकी है हमारे साथ, यहाँ पे बहुत ही ठंडी है, मेरे को भी ठंडी है, मतलब मेरे को भी सर्दी है। न्यू बार्क टाउन, मेरे को लगा था डायरेक्ट गाइस हम अजेलिया टाउन जाएंगे, मेरे को उतना याद नहीं था कुछ। पोकेमोन सेंटर, ये पीछे रास्ता क्यों है यार? देखो पोकेमोन सेंटर में तो हील कर लिया, वहाँ पे कुछ खास नहीं था गाइस तो मैं निकल लिया वहाँ से। अबे बंदे रुक जाए यार, ये इतना तेज कैसे दौड़ पा रहा है? दो दो रनिंग शूज लगा रखे है क्या ना, मैं तो एक रनिंग शूज से भी इतना तेज नहीं दौड़ पा रहा। पोषण यार कोई बात नहीं। ये क्या है, ये पोकेमोन लगा मेरे को, ये येलो एप्रिकॉन। हाँ क्या तुम ये ट्री देख रहे हो? वो एक एप्रिकॉन का ट्री है, उस एप्रिकॉन से तुम बहुत सारे पोकेबॉल बना सकते हो। कोई बात, एप्रिकॉन से याद आया हमें जीएस बॉल भी डिलीवर करना है। और गर्मी बढ़ गई है गाइस, थोड़ा ताप ज़्यादा है यहाँ पे। एंटीडोड, वो बंदा क्यों खड़ा है यार बीच में? इनके पास लेवल 5-6 के पोकेमोन होंगे, ऑसम पोकेमोन भाई, अगर लेवल होता तो बहुत अच्छा लगता मेरे को बैटल करने में। कोई बात नहीं, मैंने हरा दिया है उसे गाइस। और अब हम आ चुके हैं किसी ट्री में, नहीं ट्री में नहीं, सिटी में। कौन सी सिटी? ओ वायोलेट, हमारा फर्स्ट जिम बैटल गाइस जोटो का। मैं जल्दी से हील कर लूँगा फिर जाऊँगा, नहीं उससे पहले हमें वो इवेंट करना होगा शायद, स्प्राउट वाला, स्प्राउट बेल, स्प्राउट टावर वाला।
ओके यहाँ पे है वो टावर, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मुझे लगा वो हमें शायद एक रोड देगा, बट अरे जैसी तुम हमारे जाल में आ चुके हो, हम तुम्हारे पोकेमोन्स को ले लेंगे। चलो अच्छा गाइस, ये मेरे को बहुत ही सुकून वाला बैटल लगेगा इस, क्योंकि उनके पास लेवल 40 के पोकेमोन तो है, वरना यार कितना मुश्किल है आपको पता ही। यहाँ पे जो टोलिंग में लेवल 5-6 के पोकेमोन मिल रहे हैं मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को हेराक्रॉस को ट्रेन करना है, इस वजह से मैं पोकेमोन चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास एक्सपी शेयर क्यों नहीं है यार? मैंने पता नहीं मेरे को मिला क्यों नहीं एक्सपी शेयर। चलो थंडर बोल्ट, आगे जाके हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है गाइस, क्योंकि हमें फिर अपना पोकेमोन छोड़ना पड़ेगा चारिज़ार्ड पहले जिम के बाद। तो ये चारिज़ार्ड का आखिरी एपिसोड होगा शायद, अगले एपिसोड में हम चारिज़ार्ड को बाय बाय कर दें, फिर वो हमें डायरेक्ट 7वें या 8वें जिम बैच में मिलेगा, शायद 8वें जिम बैच में, वो डार्क हॉर्न सिटी ऐसा कुछ नाम है ना, वो ड्रैगन टाइप जिम वाला, वहाँ पर मिलेगा शायद। मेरे को नंबर नहीं याद 7वां है या 8वां है, बट नहीं याद मेरे को। पिकाचू तो हार गया, स्नोरलैक्स है मेरे पास, चारिज़ार्ड भी है। वैसे तो मैं हेराक्रॉस इस्तेमाल कर लेता, लेकिन अगर उसने आरबॉक ने पहले अटैक किया तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। चलो बहुत अच्छा, 12 तक तो आ ही जाएगा ये। एरियल एस, हाँ एक फ्लाइंग टाइप मूव चाहिए, एक बग टाइप मूव चाहिए एंड एक फाइटिंग टाइप भी चाहिए। अभी तो सारे नॉर्मल मूव्स हैं मेरे। इसमें एक अच्छी बात क्या है पता है गाइस, कि मेरे को यहाँ पे एक पोकेमोन को इवॉल्व भी करने को मिल जाएगा। मतलब जोटो रीजन में एस ने चिकोरिटा को इवॉल्व किया था, तो मेरे लिए अच्छी बात है। चलो ओ विक्टरी बैल, अब मैं चारिज़ार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो फ्लेम थ्रोवर से खत्म ही है मतलब मुकाबला। पॉइजन पाउडर हाँ सिखा देना चाहिए मेरे को। लेवल 11, अरे भाई कितना, लेवल 13 भी आ जा। सिंथेसिस ये एक अच्छा मूव है, ये तो सिखाऊंगा पक्का। वाइन भी फटा देता हूँ मैं, सिंथेसिस से हीलिंग हो जाती है, मतलब रिकवर जैसा ही होता है, बस सिंथेसिस का पावर ज़्यादा होता है वो। अरे भाई इवॉल्व हो जाएगी लगता है आज के आज। देखो मैं इवॉल्व तो कर दूंगा, अगर वो हुई तो मेरा नहीं देखूंगा, पता नहीं इसने कब इवॉल्व किया था, मैं भी कर दूंगा। चार्लीज़ार्ड चलो हरा दो इसे जल्दी से। टीम रॉकेट के पास बबा फैट क्यों नहीं है यार? उसका लेवल भी तो कम होगा ना, वो भी होगा शायद, नहीं ये इतनी जल्दी नहीं मिला था उन लोगों को। वीजिंग चलो हेराक्रॉस को इस्तेमाल करता हूँ। स्नोरलैक्स उसे हरा देगा, बॉडी स्लैम है मेरे पास और भी मूव्स है, आइस बीम उतना काम नहीं करेगा शायद। अरे स्मोक स्क्रीन, एक्यूरेसी कम हो जाएगी यार, बट बॉडी स्लैम है तो भाई। अरे बच गया यार, मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था कि एक बॉडी स्लैम दूंगा और ख़त्म हो जाएगा मुकाबला, बट कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इस ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो गाड़ियों का आवाज़ आता रहता होगा आपको। चीप अवे, मेरे को पता नहीं ये मूव करता क्या है एक्चुअली में। सित्तिर का पावर है, फैंट
फेंट का कितना है? एंडर को हटा देता हूँ अभी के लिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी आके अरे वाची को रीटा इवॉल्व भी हो गई यार, बहुत ही अच्छी बात है। चलो गाइस ओ वाह बेलीप। चलो गाइस मेरे को एक बात बताना, आप अगर ये वीडियो देखो तो कमेंट में क्या मेरे को भी बेलीप को इवॉल्व करना होगा, मतलब करूँ कि नहीं करूँ। मैं उन लोगों के रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझसे बैटल करोगे तो मैं तुम्हें थैंक्स में TM दूंगा। मैंने हरा दिया, कुछ खास TM नहीं था उसका, मैंने हील कर लिया है गाइस। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, फॉकनर, मैं हूँ इस फॉकनर, इस सिटी का जिम लीडर। बहुत लोग मानते हैं कि फ्लाइंग पोकेमोन इलेक्ट्रिसिटी से कमज़ोर हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ फ्लाइंग पोकेमोन का पावर कम नहीं कर सकती। हाँ गाइस, वैसे ज़्यादातर ट्रेनर्स फ्लाइंग पोकेमोन इस्तेमाल नहीं करते, मतलब सिंगल फ्लाइंग, सिर्फ फ्लाइंग टाइप हो ऐसा। फ्लाइंग के साथ अगर उसमें कुछ अच्छी एबिलिटीज भी होती है तभी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा हुट हुट। बैक, अरे नहीं मेरा पोकेमोन बग एंड फाइट टाइप है, तो फ्लाइंग मूव्स पावरफुल होंगे इसके सामने, बट कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है। भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक ट्रिक करूँ अपने हेराक्रॉस और बेलीफ को, सभी को ट्रेन करने के लिए। मतलब यहाँ से मैं वापस कैंटो रीजन जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा कहाँ पे वो इंडिगो लीग में है ना, वहाँ पे जो ग्रास है वहाँ पे तो पोकेमोन थोड़े पावरफुल ही मिलेंगे मेरे को, तो वहाँ पे ट्रेन करके लेके आऊँ सबको, ऐसा सोच रहा था मैं। बट एस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, अगर एस ने नहीं किया तो फिर हम भी नहीं करेंगे। वो ड्रिल पैक, रैम थ्रोवर, चलो डॉट्रियो, 43 XP, अरे यार चलो पिजी और थोड़ा पावरफुल होगा ऐसा लगता है मेरे को। बेलीप को इस्तेमाल करता हूँ मैं अभी। ओ लेवल 13 वर्सेस, चलो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अभी कुछ भी। तो पिजियोट का अटैकिंग लेवल पावरफुल होगा क्योंकि वो उसके थर्ड स्टेज में है। मेरा पिजियोटो कभी विंग अटैक सीख ही नहीं पाया यार, मेरे को बहुत दुख है इसका। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ तुमने जेपी फायर बैच जीत लिया है। एरियल एस, चलो अच्छी बात है, मैं 4000 को सिखा सकता हूँ एरियल एस, अगर एसएलएस से ज़्यादा पार हुआ तो एरियल एस का। सो मैंने हील कर लिया है गाइस, और अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे जर्नी को। वैसे किस साइड जाना है मेरे को पता नहीं है, और काफ़ी ढूंढने के बाद पता नहीं, वैसे जल्दी मिल गया था 1-2 मिनट में ये जगह। यहाँ पे ये खड़ा क्यों है यार, नीचे रास्ता होगा। रुइंस ऑफ आल्फ, ये क्या कर रही है, ये जगह बहुत ही डरावनी है। क्या तुम्हें वंडर रूम सीखना है? नहीं चाहिए भाई, ये तो कोई सीख नहीं सकता, वो ग्रेविटी वाला भाई मैं नहीं सीख पाया था। ओह एक लैपा बेरी, अरे इतनी जल्दी मिल गई, मेरे को लगा होइनर रीजन में मिलेगी हमको बेरीज। एक और खप्पर पड़ा है, चलो अनोन को हम पकड़ लेते हैं। एक क्या मैं पकड़ पाऊंगा डायरेक्टली?
सिंबल पोकेमोन होते ही है। हिडन पावर कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो। हेराक्रॉस को मैंने हील नहीं किया, पता नहीं क्यों ही। और गाइस तो मैं वापस आ चुका हूँ गाइस, और नीचे मेरे को ये रास्ता मिला वायलेट सिटी में ही। हेराक्रॉस या फिर बेलीव है, वैसे चिकोरिटा इवॉल्व हो चुकी है बेलीव में, तो मैं हेराक्रॉस को रखता हूँ आगे। ओह मेरे को लगा ये बैटल करेगा, मिरेकल सीड दिया, ये शायद ग्रास मूव्स का पावर बढ़ाता होगा, मेरे को पक्का कुछ नहीं पता। चलो रिपेल इस्तेमाल कर लेता हूँ अभी मैं। अरे नहीं यार, बैटल नहीं करना मेरे को। सो नीचे, अरे ये गुफा किस साइड जा रही है? वैसे मैं एक बार इस साइड देख लेता हूँ कुछ है क्या। ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे ही रास्ता है, शायद ये गुफा में जाना होगा हमें। चेरिफिक वैली। अरे यार चारिज़ार्ड को छोड़ना पड़ेगा हमें। तो गाइस देखो, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मतलब मैं छोड़ूंगा चारिज़ार्ड को, बट इस एपिसोड में नहीं, क्योंकि ये हमारा जोटोलिट का पहला एपिसोड है, तो हम सेकंड एपिसोड में वो करेंगे। तो बाय गाइस, लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो, बाय, कल मिलते हैं।